करीब 6 घंटे बाद अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी का मेगा शो। पीएम मोदी 50,000 भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। 90 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत द इंडियन अमेरिकन स्टोरी से होगी, जिसके बाद शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर सेशन होगा, जिसका फोकस भारत अमेरिका के रिश्तों और कामयाबियों पर होगा। ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम एनआरजी स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम के आयोजक टेक्सास इंडिया फोरम के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए 50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस कार्यक्रम में अमेरिका के सभी 50 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होने के लिए आज आ रहे हैं। मेहमानों के लिए भी स्टेडियम का गेट कार्यक्रम के 1 घंटे पहले खोल दिया जाएगा। मोदी कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और नृत्य पेश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खास गुजराती पारंपरिक डांडिया नृत्य भी पेश किया जाएगा। मोदी के कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में बहुत उत्साह है। वो पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आयोजकों के मुताबिक अमेरिका में पोप के बाद किसी विदेशी नेता के लिए जुटने वाली 50,000 लोगों की ये सबसे बड़ी भीड़ होगी। हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के आयोजन में शामिल होगा। ट्रंप के अलावा इस कार्यक्रम में अमेरिका के कई वरिष्ठ डेमोक्रेट भी शामिल होंगे। मोदी के अमेरिका दौरे में उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ 2 बार होगी। पहली बार ह्यूस्टन में और दूसरी मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। सबसे पहले पीएम मोदी अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के लोगों से मिले। बाद में पीएम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनर्जी सिटी कहे जाने वाले ह्यूस्टन में तेल गैस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस औपचारिक बैठक में 16 ऊर्जा कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। बैठक में भारत अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में अमेरिका की ऊर्जा कंपनी टेलुरियन और पेट्रोनेट में समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का ये तीसरा मौका है। 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहली बार और 2015 में सैन जोस में दूसरी बार पीएम ने भारतीयों को संबोधित किया था। पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल में पहली बार अमेरिका के प्रवासियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचते ही स्वच्छता का संदेश दिया। दरअसल जैसे ही मोदी प्लेन से उतरे, एक महिला ने फूल देकर उनका स्वागत किया। तभी गुलदस्ते से एक फूल नीचे गिर गया, जिसे मोदी ने खुद झुककर उठाया और अपने सिक्योरिटी स्टाफ को दे दिया। ह्यूस्टन में पीएम मोदी से मुलाकात से पहले पाकिस्तान के सिंध समाज के लोगों ने अपील की है, जैसे 1971 में बांग्लादेश आजाद कराया था, वैसे ही सिंध को भी आजाद कराएं। पाकिस्तान के बलोच और पश्तो भी पीएम मोदी से मिलकर पाकिस्तान से आजादी की अपील कर सकते हैं। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भारत की एकता में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे पीएम मोदी ने हटा दिया। अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भी याद किया। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के सामने कमांडो टीम पर संदिग्धों ने फायरिंग की है। संदिग्ध कार में सवार होकर अक्षरधाम मंदिर के सामने पहुंचे थे। कमांडो पर फायरिंग करने के बाद सभी संदिग्ध भाग गए। गाड़ी की चेकिंग के दौरान कार में सवार संदिग्धों ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर के बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई और मोर्टार भी दागे गए। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। बाबरी विध्वंस के मामले में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने समन जारी किया है। अदालत ने कल्याण सिंह को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कोलकाता के शारदा शिशु मंदिर में आयोजित होने वाले मेगा इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता करेंगे। भागवत इस दौरान संघ को लेकर बंगाल में गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मय अनंत पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। छात्रा पर चिन्मय अनंत से 5 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप है। इस मामले में लड़की के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 370 के हटने के बाद दिल्ली मेट्रो भी आतंकियों के निशाने पर है, जिसको देखते हुए मेगा मॉक ड्रिल रखी गई। इस छत्तीसगढ़ के मंत्री गुलाब कमरो ने विवादित बयान दिया है। कमरो ने बड़े अधिकारियों को कौवा कहा और उन्हें मार कर टांग देने को कहा। अपने विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत के दौरे के दौरान कमरो ने कहा कि जहां तहसीलदार गड़बड़ करता है, उसकी छुट्टी करा दी गई है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया और आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सोरी समेत 200 से ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से चोरी की बाइक, मोबाइल, 102 आपत्तिजनक पोस्टर और 2 बैनर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली से विजयवाड़ा जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-467 तूफान की वजह से डैमेज हो गई। इस हादसे में क्रू मेंबर भी घायल हो गए। तूफान की वजह से प्लेन को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यहां एक घर पर खाना बनाने के दौरान पटाखों में आग लग गई और वहां धमाके के बाद मलबा फैल गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बिजनौर में एक दरोगा ने एक नाबालिग छात्र की पिटाई कर दी। बिजनौर की ही एक चौकी में दरोगा सतेंद्र उज्जवल ने 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की जमकर पिटाई की। छात्र के घर वालों ने आरोप लगाया है कि दरोगा ने छात्र को छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत भी ली। आरोपी दरोगा को SP ने सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के गयासपुर गांव में एक अजगर ने नील गाय के बच्चे को जिंदा निगल लिया। गांव में अजगर को जानवर निगलते देखकर लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने इसकी खबर वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को वहां से रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। चंबल नदी पर बने डैम पर तेज बहाव के बीच फंसे एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में तेज पानी के बहाव में फंसे व्यक्ति को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद आपदा प्रबंधन की एक टीम वहां पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट करने पर एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। पीड़ित छात्र ABVP का है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। BJP ने इस घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। दिल्ली में 1 किलो प्याज का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। 2015 के बाद पहली बार है जब प्याज की कीमत इस स्तर पर पहुंची है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में भी प्याज की कीमत ऊंची हो गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद से नाराज लोगों ने 3 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भयंकर था कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने एक कार सवार महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनते ही महिला के पति ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। हत्या के CCTV फुटेज की मदद से पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने एक महिला की चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना का CCTV वीडियो पुलिस ने जारी किया है। बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर कुछ सामान खरीद रही थी, तभी बाइक सवार 2 स्नेचर आए और महिला की चेन छीन कर फरार हो गए। बिहार के मुंगेर में डबल मर्डर को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। DIG मनु महाराज के मुताबिक आसिफ के दोस्त दानिश ने ही दोनों की हत्याएं की थी। आरोप है कि महिला से रेप की कोशिश से नाकाम होने पर दानिश ने दोनों का मर्डर कर दिया था। पुलिस दानिश को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। बिहार के नालंदा में शराब बेचने से मना करने पर छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पुलिस की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पटना के मसौड़ी में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने करोड़ों रुपए मूल्य की प्राचीन मूर्ति भी बरामद की है। पूछताछ में बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। पुलिस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। जयपुर के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर नविंदू एक मरीज के परिवार वालों से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों के बीच एक मरीज के पैर में डाली गई रॉड के पैसों को लेकर विवाद हो रहा है। तैश में आकर डॉक्टर बोल देते हैं कि पैसे नहीं दिए तो पैर में पड़ी रॉड निकाल दूंगा। यूपी के रायबरेली में बहाई चौकी के इंचार्ज का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बहाई चौकी के इंचार्ज अलाउद्दीन चौकी के भीतर कमरे में लुंगी और बनियान पहने बैठे हुए हैं। चौकी इंचार्ज चरणजीत नाम के व्यक्ति का नाम लेते हुए हालचाल पूछता है, फिर काम रुकवाने के नाम पर सुबह सुबह कुछ भुहनी बट्टा कराने की बात कहता है। शादी पार्टियों और त्योहारों में DJ बजाने की इजाजत पर रोक के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को अलीगढ़ में इस आदेश के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी को खतरा पैदा हो गया है।
ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। खाने की तलाश में रहायशी इलाके में पहुंचे हाथियों के झुंड ने कई जगहों पर फसलों को रौंद दिया। इससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वन विभाग भी हाथियों को दोबारा जंगल में खदेड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने भोजपुरी स्टार निरहुआ को ट्विटर पर फॉलो किया। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। निरहुआ ने खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर पोस्ट डाली और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, धन्यवाद के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। पूजनीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार। आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। कर्नाटक की कुवेंपु यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ग्रीन लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। छात्र यहां अब यूनिवर्सिटी कैंपस में पेड़ की छांव में आसानी से किताब पढ़ते हैं। ग्रीन लाइब्रेरी की वजह से छात्रों में भी पढ़ाई को लेकर रुचि बढ़ी है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनेगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सरकार भी लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने पर जोर दे रही है। इस बीच आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाया जाएगा। गुजरात के गोंडल में लोगों ने हेलमेट पहनकर गरबा खेला। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए ट्रैफिक नियमों का महत्व लोगों को समझाने के लिए ये अनोखी कोशिश की गई। गुजरात में लगातार बारिश से आम लोग तो परेशान हैं ही, अब जंगल के राजा शेर भी बारिश और कीचड़ से परेशान हो चुके हैं। अमरेली में शेर कीचड़ और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए नीचे उतर आए हैं। बिहार के किशनगंज में जमीन से निकले चांदी के सिक्कों को गांव वालों ने लूट लिया। खेत की जुताई के दौरान चांदी के सिक्के मिले हैं। ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्कों को लूटने की होड़ बच गई। महिलाओं और बच्चों में खून की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अब नमक में आयोडीन के साथ साथ आयरन मिलाने का भी फैसला लिया है। सरकार नीति बना रही है ताकि बाजार में बिकने वाले हर प्रकार के नमक में आयरन जरूरी तौर पर मिला हो। उत्तर भारत के लोगों को हर साल पराली जलाने और उससे होने वाले प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, पराली के धुएं का डर बढ़ता जाता है, जिससे निपटने के लिए हैप्पी सीडर नाम की तकनीक ने अब उम्मीद जगाई है। बाल झड़ने से परेशान